आपने देखा होगा यूपी में गुंडों को कैसे सजा होती है। किसी ने भी आज के बाद यहां पर किसी टोपी वाले ने, किसी मुल्ले ने, कठमुल्ले ने, जिहादी ने अगर गुंडागर्दी की फिर हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, उनको घर से खींच करके उल्टा लटकाएंगे चौक में खड़ा करके। खुली बात कह रहा हूं, यहां की सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर मौन है, धर्मांतरण की गतिविधियों पर मौन है। চারিদিকে আসন্ন ইলেকশনের জন্য উত্তেজনা টানটান, এমতো অবস্থায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তৃতায় সেই উত্তেজনা এখন সমালোচনায় পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে। মোদি সরকার ও তার প্রতিনিধিরা ধর্মকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে একদল অন্ধভক্তদের নিজের দল ভারী করার নেশায় মেতে উঠেছে। আজ এমনই দুটি মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরব। যদি কোনো টুপি পরা মোল্লা জেহাদি গুন্ডামি করে তাহলে আমরা পুলিশের কাছে যাব না, তাদের ঘর থেকে টেনে বের করে রাস্তায় উল্টো করে ঝুলিয়ে দেব। গত 30 অক্টোবর দিল্লির নন্দনগরীতে জয় ভগবান গোয়েল এই বক্তৃতা দিয়েছেন। তার ধারণা স্লিপার সেল নাকি সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে আছে যারা এই দাঙ্গা ফাসাদ করাচ্ছে। পুলিশ সেই সকল যদি গুন্ডাদের না ধরে তাহলে গোয়েল তার দলবল থানার সামনে ধর্ণা দেবে। অন্যদিকে আরেকটা ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যোগী আদিত্যনাথ তার ছত্রিশগড়ের ইলেকশন র্যালিতে বক্তৃতার সময় বিরোধী সরকারকে খোঁচা মেরে বলছে এটা সরকার নয় সমস্যা। যারা লাভ জেহাদ নিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে ধর্মান্তর নিয়ে চুপ থাকে। ইউপিতে যেরকম গুন্ডামি বন্ধ করেছি আমি সেরকম এ রাজ্যেও করব। বর্তমান সরকার রাম ভক্তদের ওপর লাঠি চালায় গুলি চালায়। তার মতে ইউপিতে যখন ভাজপা সরকার ছিল তখন তলোয়ার যাত্রা হতো না, কিন্তু বিজেপি আসার পরে সেই সমস্যা আর নেই। ভগবান গোয়েল এবং যোগী আদিত্যনাথ দুজনেরই বক্তৃতায় আমরা গুন্ডা জিহাদি এই সকল শব্দ শুনতে পেয়েছি। যে বিদ্বেষ তারা পোষণ করছে, তাদের সরকার পোষণ করছে মুসলিমদের, তার প্রতিচ্ছবিও দেখতে পেলাম আমরা। आपने देखा होगा यूपी में गुंडों को कैसे सजा होती है। देखते हैं ना, देखते हैं ना, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? यहां की सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर मौन है, धर्मांतरण की गतिविधियों पर मौन है, उन्हें प्रश्रय देती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। इस सरकार नहीं, ये तो समस्या है। ये राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। ये सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे ही होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोग नहीं। आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कांवड़ यात्रा में जाएंगे 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं उसमें, 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, संघ भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनके पुष्प वर्षा भी कर लेते हैं। वहां कोई रोग नहीं है। किसी ने भी आज के बाद यहां पर किसी टोपी वाले ने, किसी मुल्ले ने, कठमुल्ले ने, जिहादी ने अगर गुंडागर्दी की, तो पुलिस के पास नहीं जाएंगे। फिर हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, उनको घर से खींच करके उल्टा लटकाएंगे चौक में खड़ा करके। खुली बात कह रहा हूं, मेरे भारत की शांति और भाईचारे को समय समय पर बार बार नष्ट करने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों हमारी एनआईए ने घोषणा की थी कि जो अपना पॉपुलर फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने पूरे देश में नेटवर्क खड़ा कर रखा है, जगह जगह पर स्लीपर सेल बिछा रखे हैं, अपने छोड़ रखे हैं, जो समय समय पर दंगा फसाद करने के लिए अपना अभियान जारी रखते हैं। कहीं ना कहीं लगता है शायद कि ये भी उन्हीं के कोई ना कोई लोग होंगे जो इस इलाके की नंद नगरी की, भगवान राम की नगरी है, नंद जी की नगरी है, इस नगरी की शांति और भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं पुलिस के हमारे सीनियर अधिकारियों से, हम मिलकर भी बात करेंगे मगर उनके लोग यहां पर हैं, सब मालूम होता है, जहां मीटिंग होती है उनके लोग भी रहते हैं। तो हम 3 दिन का समय दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने मेरे बच्चों के साथ जातियां की हैं, न्याय किया है, पीटा है, चाबियां निकाली हैं, इनका रास्ता रोका है,
वो सारे के सारे लोग तिहाड़ जेल के अंदर होने चाहिए। तीन दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये सारे के सारे लोग नंदनगरी थाने के बाहर भूख हड़ताल करेंगे।